Alright, Kothi Nurzat, welcome to Cut A Cut Show, Pakistan ka number one entertainment show. Pakistan ki number one entertainment screen, yani ki Bol Entertainment pe aap tamam logon ko main khush aamdeed kahunga. Aaj ki is mehfil mein, jo finally lag chuki hai, shaam ka time hai, chai agar saath ho to yakeen karein ki ye maza dubala ho jayega. Lekin aaj ki is mehfil mein, main tamam un logon ko welcome sabse zyada karunga, jo aaj hame pehli dafa ittefaqan dekh chuke hain. Aap yakeen jane ki wahi ittefaq hai jisme waqtan fawqtan barkat hoti rahegi. Agar to aapke chehre ki hansi ka main sabab ban jaun to isse achhi baat kya hogi. लेकिन फिलहाल आज के इस कटाकट में क्या क्या होने वाला है, लास्ट वीक लास्ट एपिसोड में जो हम लोगों ने एक आउटडोर कटाकट किया था उसका क्या कमाल का आप लोगों का यार फीडबैक आया. मैं मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, मेरे मतलब मैं खुशी से पागल हो गया कि यार क्या फीडबैक आ रहा है, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे हमारी टीआरपीज की रेटिंग में वो सेगमेंट हमारा नंबर वन पे पहुंचा. सो इस हौसला अफजाई का, इस मोहब्बत का, इस प्यार का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया. इस पूरे लिंक को यहीं पे ख़त्म करते हुए मैं आज के हमारे गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करूँगा जो आज के हमारे मेहमान हैं. और मेहमान जब भी आते हैं सिर्फ दो चीज़ें चाहते हैं, पहली इज्जत, दूसरी चाय. दोनों इनको मिलेंगी भरपूर और आप लोगों का प्यार मिलेगा तो ये लोग और खुशी से पागल हो जाएंगे. वी हैव अनिल का एंड शराबील विद अस. हेलो, वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम शराबील, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप मट्टी डाल के खराब करते हैं. मैं भी थोड़ी देर में करता हूँ, मेरा तो काम ही यही है, मैं तो लोगों के मूड खराब कर देता हूँ कॉल कर करके. कटाकट का काम क्या है? दो मेरी प्लेट ही बना दिएगा. आप सामान साथ लाए बताएं बताएं. खैर है, आज हम लोग पार्सल का इंतजाम करेंगे और आप बैठे हैं साथ तो और मजा आएगा. मजा आएगा. हमारे साथ शराबील मौजूद है और जो कि एक बहुत ही कमाल के टैलेंटेड कॉमेडियन है और जो पाकिस्तान के लेजेंड उनके बेटे हैं, उनके साहबजादे हैं. शकील सिद्दीकी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बरसगीर में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला शख्स और आज उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं. अच्छा, सबसे बड़े हो घर में, सबसे छोटे हो? मैं सबसे बड़ा हूँ भाइयों में. अच्छा, सबसे बड़े हो भाइयों में, ओके. अब हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट हमारी मौजूद हैं, ये एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर, इसकी इसके वजन पे, इसकी शक्ल पे, इसकी क्यूटनेस पे हरगिज मत जाइएगा. जब ये बात करेगी तो भी मत जाइएगा, जब ये गाएगी ना तो आपको अंदाजा होगा कि यार ये कौन है, ये क्या है. इसके अंदर कोई कोई हाजिरी हो जाती है किसी की, ये किसी और जोन में चली जाती है, ये है कौन. वी हैव अनिल का विद अस. अनिल का कैसी हो? जी बिल्कुल ठीक. ठीक ठाक हो? मैंने सही बात की ना कि तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा वजन, तुम्हारी हाइट, तुम्हारी क्यूटनेस, इसके ऊपर लोग ना जाएं, तुम असल में कुछ और हो. कुछ और ही है भाई. हाँ? ये है ही नहीं इस दुनिया की. अलग है ये हम में से नहीं है, ये पैदा ही तबले पे हुई है, बहुत सुरीली है. किससे सीख रही हो, कौन उस्ताद है, बताओ. मैं मम्मा से सीख रही हूँ, बचपन से सीख रही हूँ. मम्मा सिखाती हैं आपकी? जी मम्मा भी गाती हैं. वाह वाह, आपकी एक बहन बैठी हैं जो कि अगले सेगमेंट में मेरे साथ होंगी. जी वो भी गाती हैं. जी तो पूरी फैमिली में आप पूरी संगीत? जी पूरी फैमिली गाती हैं. अच्छा अनिल का मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तुम आते ही कुछ एक स्थाई सुनाई दो सबको. तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना. कुछ काले बदला तो सीने बिच अगला के लंघ गया कई बरसाता. भूल गयो सजना नींद रखो के जाग के कटे यान राता. आवे जाना सता वास्ता प्यार दा ऐरुता सोनिया मुड़ने ओनिया. तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना. क्या बात है, क्या बात है. इस गाने में मेरा भी जिक्र है, ढोलना. हाँ, कुछ काले बदले आ तू. अच्छा शायर इस शेर में आपकी तारीफ कर रहा है. तो मुझे बताओ अनिल का कटाकट शो देखा है तुमने? जी बहुत देखा है. देखा है? तुमने देखा है इसमें हम लोग किस तरह से लोगों के कटाकट बना रहे होते हैं? देखते हैं हम लोग, हमारी फैमिली फैमिली देखती है आपकी. तो आज आप भी इसका पार्ट हो, आप भी आज प्रैंक करोगी मेरे साथ मिलके. मैं अकेले आज किसी की गाली नहीं सुनने वाला, ना किसी का गुस्सा बर्दाश्त करूंगा. मुझे सारी कॉलेज में ट्रांसफर करूंगा. मुझे तो लोग इनवाइट करते हैं, आइए आपको गालियां सुनाएं, आइए आपकी बेइज्जती करते हैं, आइए आपकी बेइज्जती करते हैं. तो आज आपने भी कॉलिंग करनी है भाई, बड्डा ने. अच्छा यार मुझे एक बात बताओ शराबील, तुम्हारी फैमिली में कोई और है तुम्हारे बहन भाइयों में जिसके अंदर ये जरासीम तुम्हें नजर आता हो? सबसे छोटा भाई है अरमान. अरमान उसमें है, अगर आ गया इंशाल्लाह वो भी तो स्पीड में आएगा. बाकी मैं हूँ, बाकी एक चाचा है
लेकिन सबसे पहले हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं, लोगों ने अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के, सबके नंबर दिए कि यार आप इनका प्लीज कटाकट बना दें। तो आज की एंट्री में सबसे पहला जो हम कॉल करने वाले हैं जी, सफीर, इनके दोस्त हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारा जो दोस्त है फहीम भाई, इसको कॉल करें आप, इसको तंग करें, ये बहुत जल्दी तब जाता है। अच्छा, कुछ दोस्तों में, आपके दोस्तों में भी होगा, बहुत होते हैं। सफीर, आपके लिए कॉल कर रहा हूं मैं, आपके दोस्त फहीम को। हेलो। अच्छा मुझे बताओ, वो भाईजान आप रांगड़ हो? अबे कौन बात कर रहा है भाई, आप रांगड़ हो ना? नहीं नहीं, किसने बोल दिया तेरे को? कौन रांगड़, कैसा रांगड़? आप रांगड़ नहीं हो? अबे क्या हो गया भाई तेरे को? अच्छा हमें पता चला था, हमें किसने बताया था वो, पता नहीं किसने। बात तू भाई, बात कौन कर रहा है ये बता दू। मैं तो सलीम बात कर रहा हूँ, मुझे पता चला था कि आप रांगड़ हो, इसलिए कॉल की मैंने। अबे मैं कोई रांगड़ वांगड़ नहीं हूँ, कौन सलीम बात कर रहा है भाई? नहीं तो रांगड़ होना बुरी बात थोड़ी है, इसमें क्या टेंशन है? आप होते हैं लोग, मकरानी होते हैं, गलोच होते हैं, सिंधी होते हैं, पठान होते होंगे, मैं थोड़ी हूँ रांगड़। बस मुझे तो यही पता चला है आप रांगड़ हो, इसलिए कॉल किया मैंने। आप रांगड़ हो तो बताओ। नहीं नहीं भाई, बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं रांगड़ वांगड़ नहीं हूँ भाई। नंबर चेक कर भाई, कौन से नंबर पे मिला दिया। चलो ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, दोबारा कॉल करेंगे इसको। तुम बोलो रांगड़। रांगड़ हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रांगड़। अबे कौन रांगड़? तू रांगड़ और कौन रांगड़ भाई? अबे पागल वागल हो गया क्या तू? लग रहा है रांगड़। किससे बात करनी है तेरे को? मेरे को रांगड़ से बात करनी है, तेरे को मेरे को आन के जान के। अबे क्या पागल वागल है क्या? हां इतनी गंदी बात, बार-बार इतनी गंदी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अबे तो तेरे, तू रांगड़ है ना इसलिए नहीं आई। तो रांगड़ तू है यार, तो मैंने तेरा एनआईसी देखा, तेरा पूरा नाम बशीर रांगड़ है ना? देख क्या कौन रांगड़, कैसा रांगड़, पागल वागल हो गया क्या? अच्छा जो पागल होगा वो तुझे रांगड़ बोलेगा। हाँ तो होगा, तो तेरे को पता पता है नहीं, तू रांगड़ रांगड़ करे यार। कौन तू रहा, तू है रांगड़? अच्छा चल चल यार निकल यार, चल अल्लाह हाफिज। रांगड़ ओके, अल्लाह हाफिज। चल रांगड़, तू रांगड़, हट रांगड़, तू रांगड़, तू रांगड़, तू 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 रांगड़, तू तू रांगड़, चल निकल, तू रांगड़, अल्लाह हाफिज। यार तूने सही तपा दिया इसको, सफीर सही आदमी का नंबर दिया, बड़ा शॉर्ट टेंपर्ड है, इसको दोबारा कॉल करते हैं और दोबारा गेम खेलते हैं। हेलो, सलाम अलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, मैं हकीम बात कर रहा हूँ और ये आपका नंबर मुझे मिला था किसी से, तो मैंने सोचा आपको कॉल कर लूँ, खैरियत वैरियत पूछ लूँ। हाँ तो एक छोटा सा एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ मैं, तो मतलब इसमें कोई मुजायका नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप बुरा तो नहीं मानेंगे, पर बात क्या है मेरे भाई, बात तो बता। अच्छा, दो भाईजान, मसला ये है कि हम सोच रहे थे आपसे पूछ लें खुद ही कॉल करके, आप आपकी कास्ट रांगड़ है, आप रांगड़ हैं? अबे तुम नहीं हो, कौन हो तुम लोग, परेशान कर रहे हो फोन कर करके बार बार। नहीं मेरी बात सुने, इससे पहले भी तू नहीं करी है ना दो दफा कॉल? अबे कि तेरे को सामान नहीं है। अच्छा गाली हटा दें, गाली रोक दें, गाली रोक के बात करें, ये बताएं आप हैं, मान लें अगर हैं तो इसमें क्या है, तो कास्ट है ये तो। जब मैं हुई नहीं तो मैं क्यों मान लूं? आप मान, अच्छा एक दफा मान लें, इसमें क्या है, मान लें। अब जबरदस्ती मान लूं? सही, फिर दोबारा कॉल कर लेंगे आपको, इसको दोबारा कॉल करूंगा, बहुत गाली दी है इसे, कोई किताब लिख रहा है गालियों पे। अबे तू इसमें काम करता है? हेलो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, क्या हाल है, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। हाँ बेटा, क्यों गाली दे रहे थे, किसको दे रहे हो बेटा, क्या हो रहा है? अंकल ये पता नहीं कौन है बिला वजह आपके घर से फोन कर रहा है क्या, ये कौन है ये बिला वजह फोन करके क्या पूछ रहा है, रांगड़ रांगड़ो? नहीं बेटा, आप हो क्या? है ना, मैं क्यों रांगड़ूंगा अंकल? आप नहीं हो? नहीं मैं, अरे अंकल कैसे होऊंगा मैं रांगड़? अरे मान लो, क्या है, क्यों मान लूं? आप नहीं हो? मैं लिख के दे दूं?
स्टैम्प पेपर पे लिख के एड्रेस दो, अपना एड्रेस लाओ, पेन दे यार, पेन दे पेन की, एड्रेस दो, मैं टीसीएस करता था तुम्हारे को, मैं रांगड़ नहीं हूँ। आप रांगड़ नहीं हूँ अंकल, आप क्यों परेशान कर रहे हो बार बार? मैंने कब किया बेटा, मैं तो पूछ रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल है, रांगड़ हो तुम? आप सही, क्या मतलब आपने सही, सही पहचाना अंकल, मैं रांगड़ हूँ, आपने सही पहचाना। आप रांगड़ हो? जी जी मैं रांगड़ हूँ। बेटा लगते तो नहीं हो, तेरी फोन में घुस के तेरी अबे तुम कौन हो, तुम लोग परेशान कर रहे हो फोन करके बार बार। भाईजान भाईजान आई एम सो सॉरी, मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। और आप रांगड़ एक कास्ट है, रांगड़ अगर आप हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, आप सिंधी हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। तो मैं आपके दोस्त ना सफीर साहब ने मुझे नंबर दिया था आपका, और उसने कहा था कि यार फहीम का कटाकट बना दो, तो मैं आपका कटाकट बना रहा हूँ, मैं जैन बात कर रहा हूँ कटाकट शो से। और मुझसे पहले जो बंदे ने जिसको आपने बहुत गालियाँ दी है ना, वो ये बैठा हुआ, इसका नाम है शराबील, ये बात कर रहा था आपसे, और हम सिर्फ आपके साथ मजाक कर रहे थे, और आपकी दिल आजारी का हरगिज हमारा इरादा नहीं था। सो आप अपने दोस्त को कॉल कर सकते, सफीर को कॉल कर लो यार, हम मजाक कर रहे थे। नहीं वो आपकी बात सब सही है भाई, लेकिन ये इतना मजाक में बोल रहा है यार, एंड में मुझे आके मैंने बोला मैं ही मान के जान छुड़ा दूंगा। हां भाई हूं, क्या क्या नाम बताया आपने? सफीर 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 सफीर, बस सही है, सफीर साहब को ऐसा सफर करा दूंगा वो याद रखेंगे। आप सफर करा दो उनको, थैंक यू सो मच यार, आई एम सो सॉरी मैंने आपको तंग किया। नहीं नहीं अब तो मुझे शक हो गया कि मैं वाकई रांगड़ हूं। थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चलो थैंक यू, ओके भाई थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब एक कॉल हमारी कटाकट की हो चुकी है, ठीक है, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमें और मिल गया भाई, और ये नंबर हमें दिया जी रुबीना साहिबा ने, रुबीना साहिबा ने हमें नंबर दिया है तैमूर साहब का, और ये बेसिकली होस्ट हैं। अच्छा, अब स्टेज पे भी होस्ट होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वैरायटी मतलब बेसिकली एक होस्ट हैं, तो कह रही हैं कि इनका कटाकट बनाएं, और ये इनके कोई कजन वजन है, कोई जानने वाले हैं, कह रहे हैं कि आप इनको कॉल करें, उनको कॉल करके आप इनका कटाकट बना दें, तो इनको बुक करते हैं, बुकिंग करनी है, पैसे पूछने पैसे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं तैमूर साहब, आप ठीक हैं? तैमूर नाम है इनका, अल्लाह का शुक्र जी। तैमूर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? जी जी, तैमूर नाम है, अल्लाह का शुक्र जी। आप? जी जी, आपका बड़ा नाम सुना है हमने, आप काफी अच्छे कंपेयरिंग करते हैं, काफी अच्छा आप होस्टिंग करते हैं, क्या क्या किया आपने, क्या प्रोफाइल किया आपका? एक तो नापा में मैं एक्टिंग सिखाता हूँ, और दूसरा बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो होते हैं, या हमारे आप बाहर के ले लें, वो इवेंट्स हो गए, और टेलीविजन पे जो प्रोग्राम होते हैं उनकी होस्टिंग हो गई, तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा मेरा तारुफ है नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं टेलीविजन पर मैंने देखा नहीं आपको, मुझे अभी बताया इन्होंने, असल में हमारा एनुअल डिनर हो रहा है, एनुअल डिनर कर रहे हैं मतलब अपनी कंपनी का एक, तो बेसिकली हम लोग इवेंट्स करवाते भी हैं, और ये इवेंट इत्तफाकन हमारा अपना है, ये हमारी अपनी कंपनी का इवेंट है, तो हम चाह रहे हैं कि आप इसमें होस्ट करें, इसमें हमने और बहुत सारे टैलेंट को बुलाया है और बहुत सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो ये था कि आपका बजट वगैरह थोड़ा बता दें अगर, तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका इसमें गिरामी? मेरा नाम शकील है जी। अच्छा शकील भाई, ये है कि मैं एक इवेंट के 2 से 2.5 घंटे के मैं 3 लाख चार्ज करता हूँ। 2 से 2.5 घंटे के 3 लाख? जी। अच्छा अच्छा, और ये इसमें मतलब क्या क्या होता है आपका, आप क्या क्या करते हैं 2.5 लाख 3 लाख में? इसमें होस्टिंग होती है, और क्या होता है इसमें? बस यही होती है, मैं कोई आपको प्लॉट थोड़ी ला के दूंगा साथ में, यही है। अच्छा अच्छा, लेकिन ये हमारे घर का है तो हमारा ऑब्वियसली बजट इतना नहीं है, थोड़ा बहुत बजट में अगर कुछ कर दें अगर आप, तो फिर बात करते हैं आगे, थोड़ी बहुत बजट में अगर हो जाए तो आप फिर 2.80 दे दीजिएगा मुझे। अरे ये तो मजाक हो गया, तो मतलब आप मजाक कर रहे हैं, 20,000 रुपये की बात नहीं है, मतलब थोड़ा सा और अगर खींच सकें, क्योंकि देखिए ये पहला इवेंट नहीं है, एनुअल डिनर है, अगले साल फिर होगा, अगले साल भी आप ही होंगे हमारे साथ, बाकी छोटे मोटे जो इवेंट्स के आते रहेंगे इनको देंगे यार हम लोग, शराबील इवेंट्स इनको देंगे हम, और भी देंगे इवेंट्स आपको हम दे देंगे। अच्छा फिर एक काम करते हैं फिर, अब ना आप रखें ना मैं, ना आपकी होगी ना मेरी होगी। जी जी, 2.60 पे हम फाइनल कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं ज्यादा है यार, शराबील आप डील करो, ये
हाँ आप बात करो जी सर, आपकी बात हुई मेरे बॉस से, आपने कितने बोले हैं फाइनल? मैंने 260,000 काउंट कोट किए हैं सर। ये तो आपने पूरे इवेंट का बजट बता दिया हमें, बहुत हैं। अगर आप पूरे इसको इवेंट का बजट है ये? जी जी पूरे इवेंट का बजट है सर। मैं कह रहा हूँ कि आप बता दीजिए ना कि आप कितने देंगे। मुझे एक बात बताएं, चले मैं वापस बात कर लेता हूँ बंदे ने। आप देखें आपकी बात कर दी है कि आप कितने देंगे, मुझे बताएं आपकी रिहाइश कहाँ है कराची में, रिहाइश किधर है आपकी? मैं जनाबे वाला गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ। जौहर में रहते हैं, बिल्कुल सही है। नीपा पे हमारा इवेंट है तो हम ये है नीपा पे ही कर रहे हैं। नीपा पे सात कैन देखा है आपने? तो करीब ही है मेरे। करीब, बिल्कुल करीब ही है, इसीलिए आपको कॉल की है क्योंकि करीब, मुझे पता था आपकी रिहाइश करीब ही कहीं होगी। सारे टैलेंटेड लोग जौहर में ही हैं। शकील साहब, एक शकील साहब, बड़ी बात नहीं कह रहा, ये हमारा पहला इवेंट जो मैं आपके साथ करने जाऊंगा ना। जी जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बोले, इंशाल्लाह बोले, नशा होगा इंशाल्लाह बोले, हमें तो नशा हो जाएगा आपके साथ काम करने का इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये है कि मैं आपको रक्षे का किराया दे देता हूँ और साथ में बन कबाब अंडे वाला हम आपको रात को खिला देंगे आपकी परफॉर्मेंस के बाद। तो डील ये है कि इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा शो। नहीं समझा नहीं मैं भाई। देखें घर का इवेंट है, हमारे एनुअल डिनर है, तो हम जो अफोर्ड कर सकते हैं हम वो बजा रहे हैं जो हमारी जेब है, तो हम यही कर सकते हैं। इतना बजट है नहीं तो बन कबाब खिला सकते हैं आपको अंडे वाला और साथ में रिक्शे का किराया आपको पिक एंड ड्रॉप, क्योंकि वो अभी आप जौहर में हैं तो पिक एंड ड्रॉप दे सकता हूँ, अगर आप थोड़ा आगे होते मलीर साइड पे तो मैं शायद वो भी अफोर्ड ना कर पाता। तो ये है कि जौहर करीब ही है तो आपके रिक्शे का पिक एंड ड्रॉप मैं दे देता हूँ। मतलब आप पैसे के बजाय मुझे ये ऑफर कर रहे हैं? जी 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 यही है। अच्छा चलो बिल आप बात कर लें, बाकी मैंने ऑफर कर दिया, अब आप बात कर लें सर। ये तो ये नहीं नहीं मेरी बात सुने ना शकील साहब, सर जी सर बिल को हटाइए, मैं आप बॉस है ना उसके? जी जी मैं बॉस हूँ, मैं बॉस हूँ। अच्छा अगर मैं आपका इवेंट होस्ट करते हुए भी निकालू पैसे बढ़ा देंगे फिर? मजाक करने के लिए फोन किया है मुझे यहाँ पे सर? आप बुरा मान रहे, अगर आप बोलेंगे बंद करवा के साथ रायता भी दे देंगे सर। मान रहा इधर बेइज्जती कर रहे हो एक इंसान की तुम सर, प्याज भी दे दूंगा अलग से सर। प्याज अपनी ना, गाजर का हलवा जैसे बनता ना उससे छीलना भी उसको सर, गाजर का हलवा बने सर। आप गुस्सा कर गए आपको, चले जिंगर करवा देते हैं। कौन बकवास कर रहा है, कहाँ से कर रहे हो फोन? ये सोचो तुम्हारा बॉस क्यों बन रहा है। हेलो हेलो जी तैमूर साहब, लोगों का यही काम है लोगों को तंग कर रहे हो? नहीं तैमूर साहब मैं फोन किया, क्या काम है तुम मजाक कर रहे हो? तैमूर साहब मेरी बात सुनो, मैं माफी चाहता हूँ, मैं जैन बात कर रहा हूँ, मैं कटाकट शो से जैन बात कर रहा हूँ, और ये मुझे रुबीना साहिबा ने नंबर दिया था। आपके साथ आर्ट्स काउंसिल में होती है रुबीना कोई सिंगर? रुबीना बेइज्जत करवा रही है मुझे वो। दोबारा कॉल कर दे। रुबीना गई, रुबीना तो गई, रुबीना गई, रुबीना साहिबा आप गई, ये किस आदमी का नंबर दिया यार? मेरे दर्द हो गया रुबीना। इतनी गालियां मुझे पहले पड़ गई होती ना मैं कुछ बन गया होता आज। तो अब यार इतनी सारी हम लोग कॉल कर रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम्हारे अब्बू को नहीं करते, तुम्हारे सच्चा को कॉल कर लेते हैं, परवेज सिद्दीकी को कॉल करते हैं और कॉल मैं मिलाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे शराबील ने नंबर दिया था, ठीक है, और शो की बात करते हैं कि आप हम आपको बुक करना चाह रहे हैं एक शो में, फिर सोचते हैं गेम खेलता हूँ। बहुत डांटेंगे ये। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम साहब, परवेज सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं? जी जी बोल रहा हूँ। जी परवेज साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बंद। परवेज साहब बख्तियारी बात कर रहा हूँ, जफर बख्तियारी। ये जी शराबील से मैंने नंबर लिया था आपका, ये शराबील से मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे आपका नंबर दे दिया। एक्चुअली हम लोग एक शो करवा रहे हैं तो उस सिलसिले में आपसे बात करनी थी।
अच्छा जी जी बोले? तो अभी मुझे ये बताइएगा कि फेब के महीने में मिड से लेके लाइक 15th ऑफ फेब से लेके 30th तक का हमारा ये पूरा एक स्पेल है जिसमें हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हों इस पैनल पे, जिसमें आप जज भी करेंगे और आप कॉमेडी भी करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस भी होगी। तो इस सिलसिले में मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ, तो आप अवेलेबल होंगे? जी जी अवेलेबल। अच्छा तो परवेज साहब, इसका क्या वो बजट वजट का आपके जहन में क्या है? बजट ये है, आप 2.5 घंटे मैक्सिमम हमारा जो शूट जाएगा 2.5 घंटे तक जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, शो का जो एक ड्यूरेशन है वो 2.5 घंटे का रोज का है। लाख लाख एक लाख कर दीजिएगा जी। सर लाख कम नहीं है आपके ख्याल में? आपको नहीं लगता लाख कम है? अच्छा सर देखें, मैं बीच में कोऑर्डिनेटर हूँ, ठीक है, मैं कंपनी के हालात जानता हूँ, कंपनी को भी जानता हूँ, जिस चीज़ के लिए हम लोग कर रहे हैं उसका भी मुझे पर्पस पता है। तो मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ये भी कम है थोड़े। अगर आप, तो आपका भी रखना है क्या? जी नहीं नहीं नहीं, मेरा क्या रखना है, मेरा कुछ नहीं रखना भाई, मेरा इसमें कोई कट कुछ भी नहीं है, आपकी डायरेक्ट डीलिंग है, डायरेक्ट आपके पास ही चीज़ें हैं। दो ढाई लाख करा दो। सर मैं एक बात बोलूं, आपको मशवरा दूं जो मुझे लगता है जी, पांच कर लें। हाँ क्या हुआ? पांच कर लें, पांच। हाँ पांच लाख कर लें पर डे। चलो 5 लाख सही है, ठीक, 5 लाख डन है सर। तो सर ये जी जी। ये है कि ये हम आपसे ये विदाउट टैक्स ले रहे हैं, मतलब इसमें टैक्स शामिल नहीं है, तो विदाउट टैक्स लेंगे आपसे। क्या इसमें टैक्स शामिल नहीं है, हम आपसे विदाउट टैक्स लेंगे। कौन लेगा? हमारी कंपनी लेगी, हम लेंगे। मैं दूंगा ऑब्वियसली सर, आप देंगे ना, मतलब आप देंगे ना, आपको हम 2.5 घंटे का मौका दे रहे हैं ना परफॉर्म करने का और जज करने का चीजें, पाकिस्तान के आने वाले टैलेंट को आप जज करेंगे क्या? अरे सर हम आपको मौका दे रहे हैं। क्या उल्टी नसवार लगा ली क्या? चढ़ गई तुम्हारे को नसवार तो नहीं चढ़ गई? नहीं सर आप कैसी बात कर रहे हैं, ये हमारा सर इस पैनल पे हम लोग और बहुत सारे लोगों को ले रहे हैं, और शराबील ने आपके लिए कहा था तो हमने कहा चलो भाई शराबील से बोल देते हैं, शराबील की बात रख लेते हैं। तो शराबील ने ये नहीं बताया कि वो पैसे लेते हैं देते नहीं है, आपको क्या हो गया भाई? आप क्या, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपके सर पे कोई बड़ी कोई मजबूत चीज टकराई है, या आप क्या ऊपर से गिर गए हो, क्या हो गया समझ नहीं, आपके दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं है। मैं क्यों दूंगा पैसे काहे को, किस लिए? मैं पैसे लेता हूँ भाई। नहीं सर आप दो क्यों? देखें आपको हम मौका दे रहे हैं ना जज करने का टैलेंट को, वरना आम बंदा कैसे जज बन सकता है? अबे भाई तुम मुझे जज नहीं बनाओ, मुझे ना मुजरिम बना दो भाई, खुदा के वास्ते उस मुजरिम बना के पैसे दे दे, जज ना बना। यार शराबील ने तो हमें ऐसी कोई बात नहीं की, फिर तो शराबील ने गलत किया हमारे साथ, ज्यादती की। मैं अगर जज बन गया ना जी जी, सबसे पहले तुम्हें फांसी का ऑर्डर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। यार मैं परवेज भाई से मजीद बात नहीं कर सकता, परवेज भाई मैं जैन बात कर रहा हूँ, ये शराबील मेरे साथ बैठा। शराबील आओ यार कॉल पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबे आपकी कॉल है, आपके साथ मजाक करते, शराबी लाया था तो मैं सोचा मौके का फायदा उठाऊं, आपको कॉल कर लूं। सर सॉरी आपको, नहीं नहीं सर आप बिजी तो नहीं थे, हमने आपको तंग कर दिया, बस इसके लिए हम सॉरी कर रहे हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्रिकेट बहुत अच्छा शो है माशाल्लाह, जबरदस्त है यार। जैन भाई जीते रहो, खुश रहो, थैंक यू, और अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। आमीन आमीन सर, थैंक यू सो मच रवेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह थैंक यू सो मच, अल्लाह कह रहे उल्टी नसवार मुझे मिलेंगे बहुत मारेंगे। मिठी, मुझे, मिठी मार। मुझे लग रहा था कहीं गाली ना आ जाए। हाँ। दे भी देते हैं जब आती हैं। थैंक यू सो मच अनिल का, थैंक यू सो मच सर। अभी यहीं पर हम लोग जाएंगे छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसमें आपको इस कंटिन्यू करेंगे, इस बैठक को, इस कचहरी को यहीं से लेके चलेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे पास दो मजीद गेस्ट हैं, ये गेस्ट कौन है ये पता चलेगा इस तशहीरी वक्फे के बाद, वापस आते हैं साथ दीजिएगा।
Alright, Mudin Razaf, welcome back once again. Welcome back to Katakat Show, Pakistan ka number one entertainment show, Pakistan ki number one entertainment screen, Bowl Entertainment pe. Aur finally, hum log tashreehi waqfe ke baad wapas aa chuke hain. Maine jis tarah kaha tha ki jab waqfe ke baad wapas aayenge, hum to hamare saath do mazid guest honge, aur ye bhi bahut kamal ke guest hain. Lekin ab jo hum break ke baad wapas aaye hain, to ab hamare paas do guest hain, aur ye dono bhi bahut mazedar log hain. Yani ke we have Mehak Gill, jo ki Anil Gill ki badi behan hai. ये भी हमारे साथ हैं और साथ साथ शेफ जुबैर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आप दोनों आए हमारे शो में, कटाकट शो में. आप दोनों को खुश आमदेद कहूंगा. माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है आपको. देखा आपने कटाकट शो? देखा? बिल्कुल देखा. आपने देखा है? कैसा लगता है कटाकट शो? पहले बुरा लगता है तो भी बता दो यार. नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, मैं सुन लेता हूं. पर्सनली मैं तो खैर YouTube पे देखता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, YouTube पे देखते हो? स्पेशली आपकी कॉमेडी और फिर माशाल्लाह इतना एंटरटेनमेंट होता है तो बहुत मजा आता है यार. हम कॉमेडी नहीं, हम तो चाहते हैं बस लोग खुश हो जाएं, किसी तरीके से एंटरटेनमेंट प्रोवाइड हो जाए. एग्जैक्टली. सो थैंक यू आप आए. आप अनिलका की बड़ी बहन है, आप छोटी बहन क्यों लग रही है मुझे उसकी? मुझे नहीं पता. अच्छा मुझे ये बताओ महक के सिंगिंग जिस तरह तुम्हारी अम्मी सिखाती हैं जी, और ये अनिलका ने भी सीखा, तुम भी गाती हो. हाँ. तुम्हारी और बहनें भी गाती हैं, कितने बहन भाई हैं फैमिली में? कितना म्यूजिक है? मुझे लगता है दिन रात म्यूजिक है फैमिली में. हाँ, हम लोग प्रोफेशनल तो हम दोनों ही हैं. अच्छा. हाँ, लेकिन घर पे मम्मा सिखाती हैं और मैं खुद भी म्यूजिशियन हूँ और अनिलका भी म्यूजिशियन है. मैं ढोलक प्ले करती हूँ. हमारे साथ साथ शेफ जुबैर मलिक मौजूद हैं. भजन, आप तो इस शो की जान बन सकते हैं. उसकी वजह क्या है? इस शो का नाम ही कटाकट है और आप शेफ हैं. Exactly. तो सबसे पहले बताएं आपने कब से शेफ बने हुए हैं? क्या है, घर में अम्मी खाने को नहीं देती थी तो आपने खुद पकाना शुरू कर दिया, या क्या चक्कर था ये? कैसे शेफ क्यों बन गए? ज़ैन भाई, मुझे बचपन से ही शौक था और खाने का, पकाने अम्मी की माशाल्लाह आपने बात की तो अम्मी के साथ जो है मैं किचन में बड़ा इंजॉय करता था, कुकिंग करते हुए उनको हेल्प आउट करता था. फिर मैंने माशाल्लाह प्रोफेशनली जो है कोर्स किया. अच्छा. और कोर्स करने के बाद फिर मैं दुबई गया, वहाँ पे काम किया. फिर आजकल जो है वो थोड़ा सा ज़रा मॉर्निंग शो और टीवी शोज में. अच्छा, आजकल आप मॉर्निंग शोज में? आपको हमने बुलाया ही इसीलिए क्योंकि आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे नजर आते हैं हमें, कभी किसी मॉर्निंग शो पे, कभी किसी मॉर्निंग शो पे, लेकिन आप वहाँ पे कुछ पकाते हैं हमेशा. लेकिन इस शो में आप कुछ पका नहीं सकते, तो मैं चाहता हूँ इस शो पे आप कॉल पे पकाएं. कॉल पे पकाऊं? कॉल पे. आपने आप हैं तो शेफ ही ना, कटाकट बनाना है. ठीक है, मैं आपको रेसिपी दे रहा हूँ, रेसिपी आपकी चले अपनी. मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ मुझे तीखा चाहिए, प्रॉपर मसालेदार कटाकट बनाएंगे. नंबर हमारे पास मौजूद है लोगों के और आप जिसका कटाकट बनाए, लेकिन रेसिपी आपकी अपनी. ठीक है. एंट्री दूं या माइंड में कुछ है कि यार इसका बना लेता हूं? कुछ डाइट फूड के हवाले से, क्योंकि आजकल मेरा बिजनेस है डाइट फूड का. अच्छा. मैं, हाँ, तो मैं जरा उस पर जरा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ. अच्छा. तो कोई भी अगर कॉलर है तो मैं उसको डाइट फूड का कह के और फिर यू नो फिर कोई आपका क्लाइंट है जिसको लास्ट टाइम इससे बात हुई हो? दोहा भाभी हैं, सुहेल हैदर हैं. ओके, तो किसका बना है? सुहेल का बना है? सुहेल भाई का बना सकते हैं. बना सकते हैं? बना सकते हैं. आप एक काम करो, आप जुबैर बन के कॉल करो. ठीक है. ठीक है, आप बोलो कि यार मैं आपकी डाइट प्लान जो है ना मैंने चेंज किया है. ठीक है. आप जो चेंज करोगे ना वो कोई उल्टी सीधी चीजें बता दो. समझिए, ऐसा कर लो कि वो खाए ना या वो हैरान हो जाए कि यार ये कैसा डाइट प्लान है. डाइट प्लान चेंज करना चाह रहा हूँ, आपका वेट इससे जल्दी गिरेगा. ठीक है. वेट गिराना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हो? वो तो खैर लॉस करना चाह रहे हैं, वेट गिराना चाह रहे हैं. बात करो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सुहेल भाई बिल्कुल ठीक. बस आपकी याद आ रही थी, आज मैंने सोचा आपको कॉल कर लूँ. जुबैर साहब? जी, जुबैर साहब बात कर रहा हूँ. कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक. अच्छा सुहेल भाई, हमने जो है आज थोड़ा सा जो है अपना डाइट प्लान चेंज किया है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूँ इस हवाले से और आपको बताऊँ कि जो हमारा जो मील प्लान होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया. अब तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? नहीं, आपने लास्ट टाइम जो मुझसे बताया था जी वो तो डिफरेंट था ना, हमारी बात हो तो गई थी उस पे. नहीं, एक्चुअली आजकल जो है ना हमने जो है चेंज कर दिया अपना सिनेरियो, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूं क्योंकि माशाल्लाह आप मेरे जो हैं सबसे पहले क्लाइंट हैं. नहीं नहीं, मैंने हमने एग्री कर रहे हैं, मगर हमने जुबैर जब वो डील लॉक कर ली थी तो कर ली थी ना, आप क्यों चेंज कर रहे हो? उस दिन भी इतनी बहस हुई, अब मैं दोबारा बहस करूंगा यार? सुहेल भाई प्लीज कर लेना, आज मेरी मान लें, आप सुन तो लें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. आप सुनिए, सबसे बड़ा मसला ये. नहीं क्यों सुनूं भाई, मैं क्यों सुनूं? उस दिन एक घंटा हमारी बात हुई है ना. देखें सर, एक घंटा हमारी बात हुई है ना. अच्छा देखें, आप पूछे तो कि जुबैर तुम क्या चीज कर रहे हो, आप यही तो मसला ना, आप पूछे. अच्छा चलें बताएं, बताएं क्या चीज कर रहे हैं. जो हमारा न्यू मील प्लान है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है. ठीक है, तो मॉर्निंग में आपने जो ब्रेकफास्ट जो लेना है वो जो है, अगर आप गर्म पानी पीते हैं वैसे आप?
गर्म पानी आपने मुझे बताया था, आपने बताया था लेमन और हॉट वाटर आपने पीना, तो मैं पीना मैंने शुरू कर दिया। ठीक है, अब आपने करना ये है, बिल्कुल खोलते हुए दो ग्लास गर्म पानी में आपने सुबह निहार, जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ना, तो सुबह खोलते हुए दो ग्लास गर्म पानी में आपने एक चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का डालना है। अच्छा, खोलते हुए पानी में पिसी हुई लाल मिर्च डालूंगा फिर? हाँ, वो पिसी हुई लाल मिर्च डाल के वो आपने सुबह दो ग्लास निहार में पीना है। आप पागल पागल, आपको क्या हो गया सुबह? खोलते हुए पानी में मैं लाल मिर्च डालूं और मैं पी लूं? हाँ, पिसी हुई लाल मिर्च, वो बहुत तेजी से आपका फैट बर्न करेगा। भाई फिर मेरा नहीं, मेरा वही सही है यार, मेरा वही सही है। मुझे ऐसे ड्रामेबाजी वाली वो नहीं बताए भाई। मैं उस दिन भी आपसे ये बहस कर रहा था, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ना, तो मैं अपने प्लान पे स्टिक रहूंगा। अच्छा, मेरे साथ एक और बड़े सीनियर लोग मौजूद हैं, सीनियर मेरे साथ मौजूद हैं सर, उनसे बात करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनील साहब कैसे हैं आप? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। आप नाक तो खोल के बोले अपनी, कौन नसीम भाई? सुनील साहब, मैं असल में मेरी आवाज़ ही ऐसी है यार, आप मेरा मजाक मत उड़ाएं। असल में मुझे बताया था जुबैर ने, क्या इन्होंने आपको ना डाइट प्लान दिया है, तो आपका डाइट प्लान ना हमें थोड़ा चेंज कर ली। मैंने डाइट प्लान लेके भाई जुबैर साहब से ये अजीब नहीं, असल में आप हमारे कर रहे हैं तो यार, आप हमारे ना प्रायोरिटी कस्टमर हैं, क्योंकि यार आप सेलिब्रिटी हैं ना, तो हम सेलिब्रिटीज को अलग डील कर रहे हैं। तो अभी आपके ना हम लोगों को डाइट प्लान में कुछ हम आपको देंगे, वो आपको ना अपनी स्टोरी पे इंस्टा पे हर जगह शेयर भी करना होगा, तो आपके डाइट प्लान में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। लाल मिर्च नहीं, 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 मैं उस चीज के पैसे लेता हूं भाई, मैं उस चीज के पैसे लेता हूं इंस्टा पे इधर उधर शेयर करने के, मैंने पैसे दे के ले रहा हूं, ये मुझे फ्री में नहीं दे रहे हैं। अब हम कर क्या रहे हैं, हम आपको ना देखें सिंपल सी डील है, हम आपको आपने करना क्या, इलायची, छोटी इलायची होती है ना, छोटी इलायची अपनी कान में डाल के, अपने दोनों कानों में डाल के आपको रात को सोना है, इससे आपका वेट जो है ना। और मैं बड़ी इलायची आपकी, बड़ी इलायची, हाँ मेरा मुंह ना खुलवाया आप, मेरा वो ना करें, मैं एक्चुअली वैसे ही बहुत गुस्से में बैठा हूँ कहीं यार, मैं अगर हूँ चले कोई भी जो भी मेरा नाम है, मगर मैं मेरी दो साइड्स हैं, ठीक है, मेरी दो साइड्स हैं, मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड भी हूँ, तमीज़दार भी हूँ, मगर मैं बहुत थोड़ा सा बदकलामी भी कर देता हूँ कभी कभी, अजीब बातें कर रहे हैं, छोटी इलायची कान में ले लें, ये कर लें, वो कर लें। अच्छा, मेरी बात सुने, आप ना माइंड कर रहे हैं मेरी बात, नहीं भाई मुझे नहीं करना यार, मुझे नहीं करना, आपने अगर नहीं देना मुझे डाइट प्लान से, मेरी सुबह से बात करना है ना, आप कौन है, आपकी तो मेरी आवाज समझ में नहीं आ रही है भाई, आपकी आवाज ही मेरी समझ में नहीं आ रही है, वरना मैं दूं अपने मैनेजर को फोन, आपको गंदा करके गालियां दे। अच्छा सुनील साहब, मेरी बात ना सुन रहे यार आप, अच्छा आपने करना क्या है कि लौंग होती है ना लौंग, वो आपने नाक में डालनी है अपनी ना, 15 मिनट निहार में। जुबैर से बात करना है यार मेरी, पागल हो रहे हैं आप? निकाल दिया मैंने जुबैर को यार, छोड़ो यार जुबैर को, मट्टी डाले जुबैर पे यार, बस ठीक है सर, मट्टी डाले तो जुबैर से बोलेगा मैं किसी और से ले लूंगा यार डाइट प्लान, मतलब दो एक कोई एक बंदा नहीं, नहीं है, मैं ये पे हूं। असल में ये हमारे सीनियर, ये हमारे सीनियर कॉल कर रहे थे आपको, ये हमारे मैनेजर है। डर गया क्लाइंट से, डर गया, हेलो हेलो, डर गया क्लाइंट कट रहा था, डर गया, हेलो हेलो भाईजान, आपका दोस्त यहाँ पे आया हुआ है, ये जुबैर आया हुआ है यहाँ पे कटाकट शो पे, मेरे शो पे आया हुआ जैन बोल रहा हूँ। हौला वाला कुव्वत अल्लाह बिल्ला भाई, हौला वाला कुव्वत अल्लाह बिल्ला, अगर ये आप चले 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 कॉल करते हैं भाईजान, सॉरी सॉरी सॉरी, टाटा टेक केयर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जानू, थैंक यू भाईजान, थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अब हमें जो कॉल करनी है भाई, इस कॉल का हमें किरण ने बोला है, और किरण की जिनसे मंगनी होने वाली है, ये एंट्री आई हुई है, किरण की जिनसे मंगनी होने वाली, उनका नाम है सऊद, तो किरण कह रही है कि सऊद को आप कॉल करें, उसका कटाकट बनाएं, इसका सबसे बड़ा मसला ये मुझे रिप्लाई नहीं करता, तो हमने कहा चलो इसी के ऊपर कुछ ना कुछ बनाते हैं प्लॉट, और अब हम कॉल करेंगे सऊद को और चेक करते हैं इनको, मेरा ख्याल है कि इनको कॉल करते हैं, आप कॉल करोगी, और तुम जो हो कह रही हो कि हार्ट टू हार्ट सर्विस आई है, नहीं हार्ट टू हार्ट सर्विस, सऊद सऊद, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, जी आप ठीक? हाँ जी, आप साउथ सर बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ, कौन बात कर रही है? हम, मैं अपने अपना कंपनी से बात कर रही हूँ जी, फरमाइए, आप मेरे बॉस से बात करें और वो आपको सारी डिटेल्स बताएंगे, ठीक है? अच्छा बताइए भाई डिटेल्स। जी सर, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, सऊद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर, ठीक है,
मैं बिल्कुल ठीक। सऊद साहब, आप हमारे पुराने सारिफ हैं, आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, प्रायोरिटी कस्टमर हैं, तो हम ये पुराने प्रायोरिटी कस्टमर्स के लिए हम एक नई सर्विस लेके आए हैं सर, और सर्विस का नाम है हार्ट टू हार्ट सर्विस। इसमें क्या है सर? इसमें होगा क्या कि आप अगर किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रहे, बात सुने भाई, मेरी बात सुने, मैं तो सही बताऊँ, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ यार, इस तरह की हजारों कॉल आती हैं दिल, ये है वो सर, समझी बात सुनिए सर, ये कोई टेली मार्केटिंग कॉल नहीं है, आपने हमारी ही सिम ली हुई है, आप हमारा नेटवर्क यूज करते हैं, ये आपके नेटवर्क की तरफ से एक ऑफर है, क्योंकि आप प्रायोरिटी कस्टमर हैं, इसलिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। और इसमें सर बहुत ही सिंपल सी एक सर्विस है, जिसमें जो लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहे, एक बात आप कितने लोगों को बोल चुके हो सर? सिर्फ प्रायोरिटी कस्टमर्स हमारे, कोई 100 प्रायोरिटी कस्टमर्स हैं, उनको कर रहे हैं हम ये कॉल। अच्छा, तो आप उनमें से एक हैं, यानी कि उनमें से एक मैं हूँ। जी 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 सर। अच्छा सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर इस सर्विस में होता क्या कि ऑटो रिप्लाई है, ऑटो रिप्लाई, जैसे कि अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं, आप अपनी मंगेतर से बात कर रहे हैं, या आप किसी अपनी बीवी से बात कर रहे हैं होने वाली, या बीवी आपकी शादी हो चुकी है, उनसे आप बात कर रहे हैं और रिप्लाई नहीं कर पा रहे, आप उनको मैसेज नहीं कर पा रहे, उस वजह से आपके झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़ाइयों को दूर करने के लिए हार्ट टू हार्ट सर्विस यूफोन ने सर लॉन्च की है। इसमें हम ऑटो रिप्लाई कर देंगे, जैसे कि अगर किसी ने, खातून ने आपको मैसेज किया, आपकी मंगेतर ने आपको अगर मैसेज किया है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप बिजी हैं, आप मीटिंग में, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो सर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विद इन 3 सेकंड्स हम लोग उनको मैसेज का रिप्लाई कर देंगे, और वो रिप्लाई सर हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने हुए हैं, हम वो रिप्लाई उनको भेज देंगे, तो आपकी लड़ाई भी नहीं होगी और उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप बिजी हैं। तो ये सर्विस है, और इसमें सर गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के मैसेज के हमारे पास पूरी लिस्ट है, यानी कि अगर आप सुबह 12 बजे उठ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि सुबह 9 बजे मैसेज चला जाए कि मेरी जानू बेबी गुड मॉर्निंग, मेरे शोना ने खाना खाया, मिस कर रहा हूँ तुमको, आई मिस यू डार्लिंग, इस तरह की जितनी भी बातें होती हैं सर, ये सब कुछ हमारे पास सर टेम्पलेट सेव हुए हैं, और आपके उस दिए गए नंबर पे हम ये नंबर हर 15 मिनट बाद मैसेज भेज सकते हैं। ये सर्विस सर सिर्फ और सिर्फ 750 रुपये हम इसमें चार्ज करते हैं। अच्छा, तो आपको अगर इंटरेस्टेड है तो इंटरेस्टिंग सर, व्हाट्सएप पे अगर आपको मैसेज आया किसी का, किसी खातून का, या आपकी मंगेतर का, या आपकी होने वाली बीवी का कोई मैसेज आया और आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे, तो आप हमें टेम्पलेट बता देंगे सर, ये मैसेज दोबारा सुबह भेज दें आप इनको, या ये मैसेज आप इनको दोपहर में भेज दें, कोई इस तरह की 2-4 बातें अगर आप बताना चाहें तो आप हमें बता सकते हैं, वरना खुद से हम भी अपनी मर्जी से भी लिख के भेज सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी सर, यार क्या करूँ अब ये तो फिर। अच्छा चलें, काम करें कि आप ना खुद से मैं बताता हूँ, तो आप लिख के अगर भेज देंगे। जी बताएं तो। यार इस पे आप लिख दो जैसे कि हाय जानू कैसी हो, मैं तो अभी उठा हूँ तुम्हारे ख्वाबों से निकल के, एक ये लिखते हैं। हाय जानू कैसी हो, मैं तो अभी उठा हूँ तुम्हारे ख्वाबों से, तुम्हारे ख्वाबों से निकल, ख्वाबों से निकल, निकल कर, निकल कर, निकल। ये आप कितने बजे जा रहे हैं सर, ये कितने बजे करें हम लोग? ये आप करें अर्ली मॉर्निंग, पता चले ना सामने वाले को। 9 बजे कर दें सर? 9 बजे बहुत लेट हो जाएगा सर, 7 बजे कर दें। 7 बजे कर दें, ओके सर, 7 बजे हमने ये आपका कर दिया, 7 बजे ये सर, उसके बाद कौन सा मैसेज करें बताएं? 8 बजे बोलें, 8 बजे मेरी जान ने कुछ तो खाया होगा मुझे पता है। सर ये ऑटो मैसेज चाह रहे हैं आप? हाँ ये ऑटो होगा ना, खुद ही तो बोल रहे हो आप। ओके सर, ओके सर, शाम वाला लिखे, शाम वाला सर बताएं। जान मैंने अभी चांद को देखा और इस सुरमई शाम में तुम्हारी जुल्फों के साए मुझे नजर आ रहे हैं। सर आप चाह रहे हैं ये मैसेज हम भेजें? हाँ हाँ ये भेजो भाई। जान मैंने अभी चांद को देखा, ऑटो मैसेज। अच्छा ऑटो मैसेज, जान मैंने अभी चांद को देखा, सुरमई शाम में तुम्हारी जुल्फें नजर आ रही हैं। आ रही हैं सर, ठीक है सर। सर रात को क्या कोई मैसेज है, रात का कोई ऐसा? और रात का लास्ट वाला कर दो, मुझे पता है मेरा बेबी थक गया है पूरी पूरे दिन, और अब नीनू का टाइम है, लेकिन नीनू से पहले कर लो और नीनू कर लो। हेलो हेलो भाई क्या हो गया? ये कैसा मैसेज लिखवा रहे हैं सर आप? हेलो
सर हमारा पूरा कॉल सेंटर हंस रहा है। तो आप खुद ही बोल रहे हो। मैं तो भाई देखो मेरी बात सुनो आप। देखो ये आपने अच्छा किया मुझे कर ली कॉल। मैं यकीन जाने कि मैं बड़ा इस मामले में बहुत सुस्त हूँ। मैं रिप्लाई नहीं करता अक्सर और ये मेरा झगड़ा रहता है। तो ये डाल देना जितनी चीजें अच्छी होंगी आप 750 के बजाय 850 ले लें। ओके सर। और ये भी कर दें कि अभी तुम्हारा बेबी यानी कि मैं उसको कह रहा हूँ कि मैं उसका वो हूँ बेबी हूँ। तुम करके निन्नू कर लो और तुम्हारा बेबी करके सो जाएगा। पोपो कहते हैं बड़ा 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 ना। हेलो भाईजान आप हंसते जा रहे हो भाई। हेलो यार मैं आपसे बात नहीं कर सकता यार। मैं जैन बात कर रहा हूँ कटाकट शो से। किरण ने ही नंबर दिया था मुझे आपका। किरण कहती आप बहुत सुस्त आदमी है इसलिए आपका कटाकट बना दो। लेकिन आप बहुत क्यूट आदमी है। आप 37 साल की उम्र में बेबी चाह रहे के लोग आपको बेबी जी। किरण ने ही नंबर दिया है मैं आपका। वो कह रही थी कि आप बहुत सुस्त हैं, आप रिप्लाई नहीं करते, आप बहुत ज्यादा तंग करते हैं, लड़ाइयां होती हैं। तो उन्होंने कहा यार इसका कटाकट बनाओ। लेकिन आपका कटाकट नहीं बन सकता यार, आप बहुत कमाल आदमी हैं। तुम्हारे बेबी ने खाना खा लिया। गुड नाइट। ये मजा आया। खैर अब मैं चाहूंगा महक हमारे साथ मौजूद है। सो महक गिल आप अपनी सुरीली आवाज में हमें क्या सुनाएंगे? इजाजत है आपकी? भरपूर इजाजत। जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दहासा बनी कितने भी ना प्यार मिलिया है। जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दहासा बनी। क्या कहने यार, बहुत आला बहुत आला, बहुत जबरदस्त गाती हो तुम। बहुत रूदारी है तुम्हारे अंदर और वो तुम्हारे अंदर एक फील है और सिर्फ फील नहीं है सुर भी उतना ही है। तो तुम एक सुरीली लड़की हो और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का टैलेंट आगे आए और इस तरह के टैलेंट को शेयर करें ना। मैं मेरा सवाल ये है कि इस तरह के टैलेंट के ऊपर व्यूज इसके ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज आने चाहिए जो असल टैलेंट है। खैर लेकिन फिलहाल हम लोग ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और वापस आके इस महफिल को इस बैठक को इस कचहरी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दिस इज कड़ाकट शो ऑन बोल एंटरटेनमेंट विद मी ज़ैन अलाउद्दीन ज़ैन द मैन आपके लिए कुछ द मास्टर प्लान। वापस आते हैं, साथ ही जगह तो माहौल अलग था और तब हमने एक अलग जगह कैमरा लगाया था। आज हमारी टीम ने ये कैमरा जो है हमारे ही ऑफिस के जिम में लगा दिया है। अब ऑफिस में लोग मुझसे कटने लगे हैं। जिस तरह मेरे दोस्त मेरी कॉल उठाने से पहले डरते हैं ना कि यार ये कटाकट तो नहीं बना रहा, तो मजाक तो नहीं कर रहा। अब ऑफिस के लोग भी डर रहे हैं। अब जैसे कि अब हम कॉल करेंगे इनमें से डंबल, ओके जी, जैसे कि अब जिम में हमारे कैमरे लगे हुए हैं 3 से 4 जगहों पर। और अब ये जो हमारा बंदा है, ये जो मोटा घूम रहा है यहाँ पे, ये मोटा बहुत कमाल की फिल्म है। मतलब ये सबसे एक बिलाड़ू आदमी है, एकदम से ना कुछ भी कर देता है ये। तो मैं सोच रहा हूँ इसी को कॉल करके आज इससे कुछ ना कुछ करवाई देते हैं। अब देखते हैं इस हफ्ते 10,000 रुपए क्या शुक्ला जीत पाएगा। तो हम लोग शुक्ला को कॉल करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या होता है। शुक्ला को डायल करते हैं और उसके बाद फिर इससे बात करते हैं। जाओ शुक्ला, जैन बात कर रहा हूँ कटाकट शो से। अभी मैं सेट पे ही हूँ और यहाँ पे शूट चल रही है। तुम्हें प्रैंक देना है, तुम्हें बेसिकली हमें टास्क देना है और ये टास्क जैसे लास्ट वीक हमने रबीत को दिया था इस बार तुम्हें दे रहे हैं। अगर तुम प्रैंक करना चाहते हो तो ये जो लड़का बैठा हुआ है इसके कंधे पे हाथ मार दो। ओके कटाकट के सेट पे आ जाओ आप। ओए अरे कर मत, वॉशरूम सो के आ रहा हूं। दादा वेट के डंपर खत्म हो गए। फंसेगा कटेगा मरेगा।
देखो इस सेगमेंट में तुम लोगों को भी समझाना है मुझे कि यहाँ पे एक्टिविटीज चलती रहेंगी, हम जो बोलेंगे ना उसको ब्लूटूथ इंस्टॉल करेंगे, हम जो बोलेंगे उसको वो करना होगा, रक्से कर दिया तो हम उसको 10,000 रुपये दे देंगे, जो जो टास्क हम देंगे उसको। आपने भी ऑन आ गया, आ गया, वालेकुम अस्सलाम। ये जिम में क्या कर रहे हो तुम, ये क्या गेम चल रहा है यहाँ पे? मुझे ऐसे पता कि वहाँ पे कैमरे हमने लगा दिए, लास्ट टाइम हमने कैफे में लगाए थे कैमरे, इस दफा हमने जिम में लगा दिए। तुमने टास्क करना है और इसके साथ करना है, ये सबसे ज्यादा एक्टिव लग रहा है मुझे इस वक्त जिम में। अबे भाई फंसा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक कड़क बंदा है, ये इतने रूल्स को फॉलो करता रहा, इतनी बाद में मेरी बजाएगा ये आपको। इसके साथ टास्क करने के तुम्हें पैसे मिलेंगे, 10,000 रुपये दे दूंगा आज। लास्ट वीक मैंने रबीत को दिए थे 10,000 रुपये, इस दफा तुम्हें दे सकता हूँ। जहाँ पिटने वाले होंगे ना तो हमें बता देना, हम तुम्हें रोक देंगे, लेकिन हमें जो हम जो बोलेंगे तुम्हें वो फॉलो करना है। पहुँचो जिम, जिम पहुँचो। मुनीब प्लीज ब्लूटूथ लगा दे यार भाई। अबे यार ट्रैफिक आजकल लोगों को पता है किस तरह का चल रहा है। खवातीन आजाद, शुक्ला साहब जो हैं वो अब जिम जा चुके हैं और अब जिम में क्या होने वाला है ये अब आप देखें, जो जो हम बोलेंगे क्या ये वो कर सकता है या नहीं कर सकता। शुक्ला ये जो डिप्स लगा रहे हैं ना इसके ऊपर बैठ जाना और बैठ के बोलो चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अब मुझे बहुत आला, पहला टास्क पूरा कर लिया भाई इसने। मैं कल में सीवी गया था सर, पता है ऐसे ही वाइट पर है ट्राउजर का। अब तुम्हें डिप्स लगाने हैं और डिप्स लगाते ही फ्लोर पे ना यहीं पे जमीन पे लेट के स्विमिंग शुरू कर दो। यार मेरी पोजीशन चेक, डिप्स से स्टार्ट है, डिप्स लगाओ। हाँ हाँ अब स्विमिंग शुरू करो। यार ये आइटम है। अच्छा अच्छा ये जैन भाई जरा इसको बोलने लाइट वेट उठा के मुख्तलिफ आवाजें निकाले। मुख्तलिफ आवाजें कैसी होती है भाई? लाइट वेट उठाएगी, बिल्कुल लाइट वेट उठाओ, बिल्कुल जो सबसे हल्की प्लेट है ना वो उठाओ और मुख्तलिफ ना ऐसी आवाज निकाल, जैसे बहुत जोर ताकत लगा रहा है ऐसी आवाज निकाल पा रही। बहुत भारी लग रहा है मुझे। अभी मोटिवेशन मिलती है आवाज निकालने से यार, जितना टाइट हो रही है इसको देख तो इधर मैं कैसे करूंगा? काम कर, पेन सेट कर। शुक्ला आपको अब बेंच पे चढ़ना है और बेंच पे चढ़ के एक्सरसाइज करना है। अबे सर ये क्या हरकत है? आशिक बना तूने, नीचे आ। अबे पेट, ये क्या हरकत है? पेट मार रहा हूँ यार, मेरी इज्जत है यहाँ पे। पेट असल में चलो 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ निकाल मैं अभी किया तो। एक काम करते हैं, इसको ये जो घूमने वाली मशीन है ना, लव हैंडल मशीन, इसके ऊपर बिठाते हैं और इसको बोलते हैं मम्मी की रोटी गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल। लव हैंडल मशीन पे बैठो और वो गा दो, वो जो टिकटॉक पे चल रहा है ना, मम्मी की रोटी गोल गोल, अबू का पैसा गोल गोल, तू भी गोल मैं भी गोल, सब बोल दो इसी जिम, सबके सामने बोलना है, लाउड लाउड बोलना है। थकन पता नहीं किस मूड से आया हुआ है आज, थकन हो गई है बहुत, एक्सरसाइज नहीं हो रही। मम्मी की रोटी गोल गोल, अच्छा तो गुस्सा कर रहा है दूसरा वाला, गुस्सा कर रहा है फुल। तू भी गोल मैं भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। नहीं करना यार, मेरी यहाँ चार लोग देख रहे हैं यार, अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा अच्छा यार, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा पता है इसकी शक्ल से लग रहा है ये फंस रहा है, एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, बस उम्मीद है। तू एक काम करती है, यहां पे पेट लगा ले, इसको मैट बिछा, मैट लगा ले। अबे लगा, मैं बस निकलते हैं। अच्छा वो ना उकता गया, ये मैट बिछा रहे हो? हाँ मैट बिछाओ, मैट बिछा के ना इस पे सो जाओ और खराटे लो, दो एक्टिंग कर, फुल एक्टिंग कर। यार थकन हो गई है, मैं सोच रहा हूँ मैं 2-3 मिनट का नैप ले लूँ थोड़ा सा। क्या बोला था मैंने?
तुझे आवाज नहीं आ रही? तुझे क्या बोला, पेट लगा लेता? लगा रहा हूँ, ऐसे भी लग सकता है पेट। सुन ले, चाहेलो वाली कैसी हरकतें कर रहा है, मेरी इज्जत है यहाँ पे यार, तू कैसी हरकतें कर रहा है आज? अच्छा, मैंने तुझे बोला हमारे पास टाइम नहीं है, मैं निकलना एक्सरसाइज करके। चल ठीक है, पेट पेट तो भरने दे। अच्छा भाई, जिसके साथ तू पंगे कर रहा है ना, ये इस शर्ट वाले को एक काम कर, उसको गोद में उठा ले और बोल तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान है। अब तू गुस्सा करता, पागल है क्या? क्या मार रहा है अभी, क्या मार रहा है? बोल रहा हूँ यार, नहीं। अच्छा मार मार मार, क्या मार रहा है तू? अब तू मेरा, तू मेरा भाई है यार, तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरी जान। अच्छा अच्छा अच्छा, ना 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 मार 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 मार, ओ गुस्से में आ यार, तो गुस्से में आ गया। अच्छा बता क्या करना है इसके बाद? अब सबसे मुश्किल टास्क दे रहा हूँ, ये ना होने वाला टास्क है, मुझे नहीं लगता करेगा। शुक्ला एक काम करो, इसकी हल्की सी शर्ट ऊपर करो और इसके ना गाल पे किस कर दो यार। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे मेरे पास हो, मेरे पास हो, मेरे पास हो। फिर क्या हरकत है यार? अच्छा मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कैमरा लगा हुआ, हमने आपके यहाँ सिर्फ यहाँ प्रैंक कर रहा था। वाह यार, वाह यार, वाह वाह, बहुत आला शुक्ला, 10,000 रुपए जीत गए हो, आ जाओ स्टूडियो, आ जाओ जल्दी से, कमाल कर दिया शुक्ले, मजा आ गया। खैर, इस शुक्ला का असली नाम ऐसा नहीं, ये मैं आखिर में बता रहा हूँ, लेकिन अब आप लोगों के माइंड में भी जब आपको ही नजर आएगा कहीं पे भी, आपने शुक्ला बोलना है, इसका नाम शुक्ला है। खैर जी, खवातीनों हजरात, यहीं पे हम लोग जाएंगे, इख्तिताम करेंगे इस शो का, और आपका बहुत शुक्रिया जुबैर, आप कुछ कहेंगे जाने से पहले? इंजॉय किया, मजा आया? बहुत मजा आया, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, किसी का नेगेटिव नहीं सोचें, पॉजिटिव सोचें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, और आपको दोबारा जरूर बुलाएंगे हम इस शो में। बिल्कुल, बिल्कुल। महक क्या कहोगी जाने से पहले? मुझे तो बहुत मजा आया, मैं तो हंस हंस के पागल हो गई हूँ, इतना मजा आया कि वाकई आपको सलूट है, वाकई। थैंक यू, नो डाउट, बहुत अच्छा शो है और बहुत मजा आया, आप लोग आएंगे तो आप लोग भी बहुत एंजॉय करेंगे। मैं बुलाऊंगा और मैं अब आवाम में से भी लोगों को बुलाने वाला हूँ, लेकिन जिसमें टैलेंट है। आप लोग इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं @zenlive पे, zenlive, इस दिए गए इंस्टा हैंडल पे आप लोग फॉलो करें, बोल एंटरटेनमेंट के हैंडल पे हमें फॉलो करें, इस दिए गए नंबर पे अपनी एंट्रीज भेजें, जिस जिसको आप कटाकट बनाना चाहते हैं उसका नाम और रीसेंट एक्टिविटी जरूर लिखें, ताकि हमें मौका मिल सके प्लॉट बनाने का और प्रॉपर उसके साथ खेलने का। आज की महफिल, आज का शो, आज की बैठक, आज की कचहरी यहीं पर खत्म होती है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा जरूर बुलाऊंगा। अगले हफ्ते कटाकट आउटडोर में क्या होने वाला है और मजीद कॉल्स में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, किसके साथ, ये आप लोगों की एंट्रीज हमें बताएंगी। तब तक अपना फीडबैक हमें देते रहें, शो अच्छा लगे तो प्यार दें, शो अच्छा नहीं लगे तो मजीद प्यार दें। आज की महफिल, आज के शो, आज की बैठक यहीं पे खत्म होती है। ज़ेनिथ फाइनली साइन फ्रॉम हॉट बॉक्स ऑफ बोल एंटरटेनमेंट, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, एंड फाइनली फ़ी अमान अल्लाह।